तो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये है नदी और ये है सामने गौचर। ये नदी बहती है इधर, रुद्रप्रयाग मिलती है ये। और देखिए यहाँ से व्यू। आपका स्वागत करता हूँ आज की इस नई वीडियो में। रास्ते में तीन धारे के करीब पहुँचने वाले हैं और ये मेरे बाहर का व्यू बहुत ही गजब का हो गया है। बादल बुदल लग गए और ठंडी हवा स्टार्ट हो चुकी है। धूप ही है इस टाइम पे हल्की हल्की, पर जिसे बोलते हैं ना बादल बर्फीली हवा टाइप की, वो स्टार्ट हो चुकी है। और बाहर का मौसम कुछ ज़्यादा ही अल्टीमेट हो रहा है। मैं दिखाता हूँ, बढ़िया हो चुका है, बादल बुदल हो चुके हैं और काफ़ी गजब का मौसम हो गया। और यहाँ पे देखिए आगे का पहाड़ कैसा लग रहा है। मेरे को तो लग रहा है रात में हम ठंड से मरने वाले हैं आज। ठंड ज़्यादा होने वाली है क्योंकि बादल लग चुके हैं और पहाड़ों में जैसे ही बादल लगते हैं तो बारिश होती है और बारिश के बाद इतना ठंडा वाला मौसम। से यहाँ का व्यू देखें, ये पहाड़ी देखें, क्या गजब का अल्टीमेट व्यू है, काफ़ी बढ़िया। पहाड़ देखिए, इधर का व्यू देखिए, पहाड़ क्या गजब का लग रहा है। और काले बादल, घने बादल छा चुके हैं। मेरे को लगता है शाम तक बारिश हो सकती है और ऊपर केदारनाथ की पहाड़ों में बर्फ़बारी भी हो सकती है। और जहाँ हमें जाना है गौचर, तो रुद्रप्रयाग से वो केदारनाथ वाले रास्ते में ही निकलेगा वो रास्ता, और उसी के पीछे वाली पहाड़ी पे बर्फ़बारी भी हो सकती है, चांसेस हैं पूरे। क्योंकि कल परसों में भी जो अभी कुछ टाइम पहले बारिश हुई है वहाँ बर्फ़बारी हुई है काफ़ी। और यहाँ का व्यू देखिए कुछ। देवप्रयाग में शिव जी भगवान की मूर्ति, देवप्रयाग संगम पे पहुंच चुके हैं हम। देवप्रयाग गांव दिख रहा है, देवप्रयाग संगम। यहाँ पे दो नदियाँ मिलती है देवप्रयाग संगम पे, और ये यहाँ का पे बारिश स्टार्ट हो चुकी है। सामने देखिए पहाड़, पहाड़ का व्यू इतना बढ़िया। उधर पीछे देखिए धूप पड़ रही है और इधर यहाँ पे बारिश हो रही है, काफ़ी ठंड। काम कर रहे हैं, नींद नहीं आ रही है बस। और बाहर मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो चुका है, बारिश हो रही है काफ़ी तेज से और काफ़ी ठंडा होने वाला है। रात में बुरे हाल होने वाले हैं हमारे। उत्तराखंड की यही बात है, हर थोड़े दूर मौसम बदल जाता है और इतना बढ़िया मौसम हो गया एकदम से। हम जब ऋषिकेश से चले थे सुबह तक गर्मी से परेशान हो रहे थे और आज रात में लगता है ठंड से परेशान होने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा ठंडा होने वाला है। देखते हैं क्या रहता है सीन। भी ठंड तो होने वाली है यहाँ पे, काफ़ी टेम्परेचर वैसे भी डाउन जाने लग गया है। और हमें जाना है अभी केदारनाथ वाली पहाड़ी से पहले, उधर बहुत ही ज़्यादा ठंडा होगा। यहाँ पे देखिए रेलवे का काम चल रहा है और ये ट्रेन का ब्रिज है क्रॉस करने के लिए। यहाँ पे रेलवे स्टेशन बन रहा है, तो अभी उठा हूँ मैं और 7:15 हो चुके हैं। मैं यहीं पे सो गया था, बाकी सारे भी सो रखे हैं आधे सीट में। 7 बज गए, अभी उठा हूँ मैं। यहाँ पे श्रीनगर से आ गया है, यहाँ पे सिरोवगढ़ है श्रीनगर से आगे, तो वहाँ पे आके बस काफ़ी हिली, उससे मेरी नींद खुल गई। तो श्रीनगर से आगे पहुँच चुके हैं और अभी रुद्रप्रयाग जाना है। रुद्रप्रयाग से कटता है वो रास्ता क्योंकि गौचर के सामने साइड है वो, और यहाँ अभी बहुत बारिश हो रही है और ठंड काफ़ी लग रही है। मेरे तो ठंड से हालत ख़राब हो रही है, काफ़ी ठंडा लग रहा है बहुत ही ज़्यादा, और सब सिंगल शर्ट में आ रहे हैं। और हम पहुँच चुके हैं रुद्रप्रयाग मार्केट में, करीब 7 बज चुके हैं और काफ़ी ठंडा हो गया यहाँ। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे ठंड भी बढ़ती जा रही है क्योंकि ऊँचाई की तरफ बढ़ रहे हैं हम, तो काफ़ी ठंडा हो रहा है। और इस टाइम है हम नदी के लेवल पे, तो नदी के लेवल पे इतनी हवा चलती है ना इस टाइम पे, शाम के टाइम पे बहुत ठंडी हवा चलती है, तो बहुत ही ठंडी हवा चलती है। हमने तो पीछे बस की सारी खिड़कियां बंद कर रखी है पर आगे से पता नहीं किसी ने खोल रखी है, तो बहुत ठंडी हवा आ रही है बाहर से। और अभी हम रुद्रप्रयाग मार्केट से पहले हैं, यहाँ पर ITPP का कैंप है वो है अगल बगल, तो यहाँ पर पहुँचे हम। दिखाता हूँ आपको रुद्रप्रयाग मार्केट पहुँच के, रुद्रप्रयाग मार्केट का नज़ारा। और आजकल यात्रा भी है तो काफ़ी चहल पहल होगी मेरे ख्याल से, तो काफ़ी रौनक रहती है यात्रा के टाइम पे। तो मिलते हैं आपसे फिर रुद्रप्रयाग मार्केट में। चुके हैं रुद्रप्रयाग मार्केट में और यहाँ की चमक दमक देखिए मेरे पीछे, काफ़ी बढ़िया मौसम हो गया, ठंडा ठंडा सा। देहरादून में तो गर्मी से मर रहे थे हम, इसी केस में कुछ ज़्यादा ही गर्म था और यहाँ कुछ ज़्यादा ही ठंडा होने लग गया है। और अंधेरा भी हो गया नज़र आ रही है इस टाइम पर।
रेस्टोरेंट पर आए हैं, थोड़ा चाय पी लेते हैं, फिर चलते हैं थोड़ा थकान मिटा के, मिलते हैं फिर आपको आगे। ड्रग मार्केट से निकल चुके हैं और जा रहे हैं डेस्टिनेशन की साइड। ड्रग मार्केट से निकल चुके हैं तो हम गौचर की साइड ना जाते हुए हम यहाँ से टर्न हो रहे हैं नीचे की साइड, केदारनाथ वाले रूट में जितना भी हो सकेगा, और वहीं जाके दिखाऊंगा फिर, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। मज़े की बात एक और है कि हमारे साथ एक और यूट्यूबर है, ये हमारे भाई फिनिक्स भाई ब्लॉगर, ये भी ब्लॉग बनाते हैं, उनका भी बढ़िया बढ़िया ब्लॉग्स हैं, ऋषिकेश के हैं ये, काफ़ी बढ़िया ब्लॉग बनाते हैं ऋषिकेश के, काफ़ी सारी जगह एक्सप्लोर करी है इन्होंने, तो हम ऋषिकेश एक्सप्लोर करेंगे भाई, हमें ऋषिकेश की अच्छी अच्छी जगह दिखाएंगे। क्या क्या है ऋषिकेश में घूमने लगे? इसमें तो सब बढ़िया है, सब बहुत वाटरफॉल्स है, नीरगट्टू हो गया, नीरगट्टू तो बहुत टॉप रेटेड प्लेसेस होगी, और भी है जगह जो लोगों को नहीं पता, आने वाले टाइम पता चल जाएगा। तो चलो भाई मुझे दो चार जगह बताइए भाई ने, और भी जगह घुमाएंगे तो उनके साथ भी ब्लॉग बनाएंगे और आपको एक्सप्लोर कराएंगे ऋषिकेश में क्या क्या जगह है, क्योंकि जैसे हमें हम देहरादून गया तो देहरादून का लोकल हमें पता है कि कहाँ पे किस गली में कौन सा झरना है क्या है, तो इन्हें वैसे ऋषिकेश का पता होगा तो ये और अच्छी अच्छी जगह दिखा पाएंगे। जैसे आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा कि काफ़ी जगह ऐसी थी कि जहाँ नहीं पता था अभी तक लोगों को, तो वैसे ही कई जगह इन्हें भी पता होंगी ऋषिकेश की, इनके साथ भी आएंगे आगे के ब्लॉग तो दिखेगा आपको कुछ बढ़िया सा एक्सप्लोर करने का। तो हम करीब 10 से 20 किलोमीटर आगे आ गए थे और आगे पता चला कि रोड बंद है, लास्ट थी वो है और हम गलत टर्न मार दिया था हमने, पहाड़ों में यही है अंधेरे में पता नहीं चलता है किधर जाना है किधर नहीं, सारी रोडें सेम होती हैं, पतली होती हैं सारी, काफ़ी पतली रोडें हैं और काफ़ी ख़तरनाक रास्ता है, तो हम गलती से लेफ्ट टर्न की जगह राइट टर्न पे आ गए थे और वो लास्ट में बंद हो गया, और कम से कम 15 किलोमीटर हम आगे आ गए थे, तो हमने यू टर्न मारा है और अब हम जा रहे हैं सही वाले रास्ते पर, तो देखते हैं वो भी सही है या गलत है, वो तो आगे जाके पता चलेगा जब हम पहुंच जाएंगे वहाँ। वैसे ही लेट हो चुकी है, 8:15 हो चुका है, देखते हैं अभी कितने बजे पहुँच। रास्ता भटकाने लग गया, नींद भी पूरी नहीं होनी और रास्ता ढूंढने में लग गया सर थोड़ी थोड़ी देर में, अभी फिर से दोबारा गए, फिर से दोबारा टर्न हो गया था, वो तो अच्छा वहाँ पर घर था रोड पर, उनसे पूछ लिया कि छिनका के लिए कहाँ से आती है, तो उन्होंने बोला भाई आगे है 12-13 किलोमीटर वहाँ से नीचे, शायद सही रास्ते में, तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं, आधा रास्ता तो भटकने में लग चुका है। 8 हो चुकी है अभी और अभी भी अपनी मंजिल की तरफ, बहुत तगड़ा टास्क हो चुका है हमारे लिए पहुँचने का, काफ़ी टाइम लग गया है, जा रहे हैं हम तो सही रास्ते है मेरे ख्याल से, क्योंकि अब पूछते हुए जा रहे हैं, तो देखते हैं कितने देर में पहुँचते हैं। पहाड़ों में तो 10 किलोमीटर भी बहुत लगता है, क्योंकि बहुत ही संकरी रोड है, काफ़ी पतली रोड है और यहाँ गाड़ी भागती भी नहीं, ऊपर से बस है तो बस के लिए तो बहुत ही छोटा है रास्ता, ये गाड़ियों के लिए छोटा है, तो अगर सामने से कोई बस आ जाती है तो फिर निकलने में भी दिक्कत होती है, गाड़ी भी आ जाए कोई एक छोटी, काफ़ी टाइम लग रहा है यहाँ पर, देखते हैं कितने देर तक पहुँचते हैं। मेरे को तो थकान लगती है रास्ते में, इतना लंबा 150-200 किलोमीटर का ये वो था डिस्टेंस था ऋषिकेश से यहाँ का, इतने में थकान लग जाती है, मैं बीच में 2 बार ही सोया, एक बार तो काफ़ी लंबा सोया श्रीनगर के गरी नारी देवी मंदिर के बाद उठा हूँ मैं, देखते हैं रात में सोने का सीन बनता है या नहीं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। आग लग जाती है सामने पर, आग लग रखी है जंगल में, 9 बजे पहुँचे हम यहाँ पे, पूरा 2 बजे निकले थे और 9 बजे पहुँच रहे हैं, बहुत टाइम लग गया और अंधेरे का रास्ता भी था और पतली रोड भी थी तो इसलिए टाइम लग गया काफ़ी, तो 9 बजे पहुँच रहे हैं हम यहाँ पे, तो देखते हैं बाहर का सीन जाके फिर यहाँ से कितना पैदल है रोड से नीचे वो भी देखना पड़ेगा, कहीं ज़्यादा पैदल ना, वैसे बोल रहे हैं कि रोड की थोड़ा सा ही नीचे पे है तो दिखाते हैं आपको, वैसे अंधेरे में तो दिखेगा नहीं, क्या दिखाएंगे वहीं जाके दिखाते हैं आपको सीधा। रात में जा रहे हैं पहले
फेरे फूरे हो गए थे तो वहाँ लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं बना नहीं पाया। तो अब यहाँ पे सोने आ गए हम। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय उत्तराखंड।